रही। कल हमने लेक्चर डिलीवर नहीं किया था, कल ऊपर चले हमारे कुछ इस तरह के लेक्चर थे कि उसमें से टाइम नहीं निकल पाया। हम उसको किसी तरीके से रोक कर ये जो हमारी कंटिन्यूटी चल रही है इसको रखते। काफ़ी दिनों से लोग मेरे से जो रابطے कर रहे थे और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी जो कोर्सेज चल रहे थे, जो मसाइल के लिए लोग आते हैं, जो अपने सोशल प्रॉब्लम लेकर आते हैं, उन सब में मैं एक नुक्ते पर आया। वो था कि लोगों को एम ऑफ लाइफ वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि टाइम टोपोलॉजी में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम एंड नीड्स। लेकिन हमारे इधर पढ़ने का और समझने का रुझान थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से बार बार चीजें रिपीट करनी पड़ती हैं। तो मैंने सोचा आज मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम एंड नीड्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम ऑफ लाइफ। छोटी छोटी मिसालें समझने की हैं। हमारे सरों पे पंखा लगा हुआ होता है, इसकी जो नीड है वो इलेक्ट्रिसिटी है और इसका एम जो है वो हवा देना है। आपके घरों पर जो गाड़ी होती है उसकी नीड पेट्रोल है, उसका एम ट्रांसपोर्टेशन है। आप जानवर रखते हैं घर पे, दो वजूहात पे रखते हैं, या तो वो दूध वगैरह दे रहे होंगे आपको, या ट्रांसपोर्टेशन उनसे भी हो सकती है, उनकी नीड खुराक होती है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग जब तकलीफ हुआ तो एक चीज है इसकी नीड, एक चीज है इसका एम। नीड ये है जो हम खुराक इस्तेमाल करते हैं, जो हमें एनर्जी देती है चीज। एम जो है वो सिर्फ खुराक का हसूल ही नहीं होना चाहिए। डॉक्टर सलीमुज्जमान सिद्दीकी ने किसी जगह कहा था, डॉक्टर ताऊर रहमान के साथ थोड़ा सा मेरा ताल्लुक है, उनके सबक गुजारा हुआ है मैंने, तो उनके उस्ताद थे डॉक्टर सलीमुज्जमान सिद्दीकी, HEC के बानियों में से थे, फाउंडर में से थे। कहते थे कि इंसान को कभी गैब्रेला नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द गैब्रेला? गाय के गोबर में कीड़ा पैदा होता है जो 24 घंटे गाय का गोबर खाता रहता है और वही उसके लिए जहर होता है और 24 घंटे के बाद वो मर जाता है। अगर इंसान की जिंदगी का कोई मकसद नहीं होगा तो वो पूरी जिंदगी सिर्फ गंदम, पानी, जूसेस के लिए अपना वक्त जाया करेगा और एट द एंड ऑफ द डे वही उसका मौत का सबब बन रहे होंगे। तो मैंने क्यों ये आज उठाया मसला, मेरे पास लोग आते हैं जब मैरिज प्रॉब्लम्स हों उनके, या शादी के बाद के मसाइल हों, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हों, फाइनेंशियल इश्यू हों। अगर आप मेरी जाती राय लेते हैं तो 1% भी वो जेन्युइन नहीं होते। उसकी वजह ये है कि उनकी नीड सारी पूरी हो रही होती हैं, लेकिन चूंकि उनकी जिंदगियों में कोई एम नहीं होता तो इस वजह से छोटी छोटी चीजें उन्हें बहुत बड़ी लग रही होती हैं। अगर आपकी और हमारी जिंदगी में से एम निकाल दिया जाए तो हम साइको पेशेंट हो जाएंगे। अब थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द देख लीजिएगा, मुझसे काम कौन करवाता है? मैं अपनी जाती राय बता रहा हूं, मुझसे काम करवाता है मेरा एम ऑफ लाइफ। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्सर जगहों पे कोट करता हूँ, बाकायदा मैं 18 से 20 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेट काम करता हूँ। कौन सी चीज मुझसे काम करवा रही है जो मेरा एम ऑफ लाइफ है? मकसद हयात नीड से हटके होना चाहिए। क्या होना चाहिए ये फिर मैं किसी लेक्चर में डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना आप टाइम टोपोलॉजी मेरी जो यूट्यूब पे मेरा चैनल है उस पे जाकर देख सकते हैं, 3 आवर्स का एक बहुत डिटेल लेक्चर मौजूद है। जितनी नीड्स हैं कभी भी वो एम हो ही नहीं सकती। लिबास, खाना पीना, ये सारी चीजें नीड्स हैं, एम इनसे बढ़कर होता है और एम
इतना मोटिवेटेड करवाता है इंसान को कि फिर वो उसको अपने सिराते मुस्तकीम से ना राइट होने देता है ना लेफ्ट होने देता है। अगर रात में हम सुकून की नींद नहीं सोते तो इसका मतलब है कि हम एम ऑफ लाइफ पे दिन गुजारे बगैर बिस्तर पर गए हैं। तो आज के लेक्चर का कंक्लूजन ये है कि पूरे दिन का एनालिसिस कीजिएगा कि आप नीड्स पर जिंदगी गुजार रहे हैं या एम पर गुजार रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।